बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में स्टार्ट किया था, तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस अप्लाई किसके ऊपर होगा, ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा किसके ऊपर, ये बैंकिंग कंपनीज के ऊपर होगा। बैंकिंग कंपनीज क्या होंगी, बैंकिंग कंपनीज वो बैंक्स होंगे, वो कंपनी होगी जो कि बैंकिंग बिजनेस कर रही होंगी पाकिस्तान में, जो एक बैंकिंग का बिजनेस कर रही होंगी पाकिस्तान में। और बैंकिंग बिजनेस क्या था हमारे पास, बैंकिंग बिजनेस ये था कि अगर वो कस्टमर्स वगैरह से डिपॉजिटर्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और आगे इन्वेस्टमेंट या एडवांस देते हैं, तो ये बैंकिंग बिजनेस की डेफिनेशन में पूरा उतर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल था, ये काम तो यूनिलीवर भी करता है कि लेट से यूनिलीवर ने TFCs वगैरह इशूज़ कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए और पब्लिक से पैसा लिया और आगे जाकर उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में, तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 ने एक क्लैरिफिकेशन दी है, एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जी ये कंपनीज बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के एम्बिट में फॉल नहीं करेंगी। तो अगर वो कंपनी जो कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल डिपॉजिटर्स कलेक्ट करती हैं, कैश कलेक्ट करती हैं और आगे जाके इन्वेस्ट करती हैं, ये बैंकिंग बिजनेस की डेफिनेशन फॉल करेंगी। अगली चीज़ जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, बैंकिंग बिजनेस क्या होंगे, इसके ऊपर हमें बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने बेतहाशा एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कस्टमर से डिपॉजिट ले सकते हो, आप टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज कर सकते हो, आप TFCs में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप PIBs में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गवर्नमेंट के किसी काम के एजेंट बन सकते हो, आप मुदारबा बिजनेस कर सकते हो, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, आप लिक्विडेटर बन सकते हो, बेतहाशा बातें बताई हैं। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझना ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि देखें, मैं एज एन बैंकिंग बिजनेस, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं कर सकता, मुझे स्टैंडर्ड ने क्लियरली मना करा हुआ है, मुझे ऑर्डिनेंस ने क्लियरली मना किया हुआ है कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक ये बोले कि चले मैं इन गुड्स की ट्रेडिंग करता हूँ, अदर देन अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह की ट्रांजेक्शन करी हुई है। साइमल्टेनियसली मैं किसी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता अनलेस वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो। तो अगर मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक को ब्रांच चाहिए तो वो रियल इस्टेट के बिजनेस जा सकती है, वो ब्रांच खरीद सकती है, ब्रांच को रेंट पे ले सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मैं कभी भी रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश करिएगा, या तो ट्रेडिंग बिजनेस होगा या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा और रियल एस्टेट का बिजनेस होगा, इन तीनों बिजनेस में बैंक्स को अलाउ नहीं है कि वो वहाँ पे बिजनेस कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने हैस्कॉल को लोन दिया हुआ है और अगर हैस्कॉल को लोन देने के बाद अगर हैस्कॉल ने डिफॉल्ट कर दिया और डिफॉल्ट कर दिया तो क्या वो प्लांट एंड मशीनरी तो मेरे नाम पे हो गया, बाय लीगल टर्म्स वो मेरे नाम पे हो गया बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी की फाइनेंसिंग मैंने की हुई थी। सर अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक सेक्शन है जो कि कहता है कि जी आपने वो एसेट जो कि आपने बैंकिंग बिजनेस के थ्रू एक्वायर्ड किया हुआ है उसको आपने डिस्पोज करना है विद इन 7 ईयर्स, आपने 7 साल के अंदर उसको किसी भी तरीके से डिस्पोज करना है, वहां पे वो आपको अलाउ करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अलाउ नहीं करता। अगली चीज जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी वो हमने पढ़ी थी नाम के ऊपर कि जी जिस तरह कंपनीज एक्ट में भी है कि जी अगर आप कंपनी बनाते हो तो नाम की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, साइमल्टेनियसली बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी नाम की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। और रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपने अपने नाम के साथ बैंक का या एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आप बैंक, बैंकर्स, बैंकिंग, ये नाम आपने लाजमी अपनी कंपनी के नाम के साथ यूज़ करना पड़ेगा, अपने बैंक के साथ यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह कहता है ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो बैंक से सब्सिडीज होंगी। और अगर सब्सिडीज, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सब्सिडीज है जो कि AMC का बिजनेस करती है, जो कि म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस करती है, जो कि ब्रोकरेज का बिजनेस कर रही होती है, उनके ऊपर बैंक का नाम लिखना ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर उसने अपने नाम के साथ अपनी होल्डिंग कंपनी का नाम लिख दिया है जिससे ये इंप्लाइड है कि जी ये बैंकिंग कंपनी की सब्सिडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा HBL AMC कंपनी, NBP AMC कंपनी, तो इनके नाम के साथ NBP, HBL, UBL जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए इनको अलग से नाम यूज करने की जरूरत, बैंक का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। बट प्रोवाइडेड दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो किसी भी कंपनी को कह सकता है कि जी आप बैंक का नाम अपने नाम के साथ लिखें। अच्छा जी, ये हमने नाम का पढ़ा था सेक्शन, फिर हमने कुछ सेक्शन पढ़े थे, कैपिटल से रिलेटेड। देखें आप बैंकिंग बिजनेस में एंटर हो ही नहीं सकते, कैपिटल के अंदर जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी, ना ही आप बिजनेस को कमेंस कर सकते हैं, ना ही आप बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, अनलेस आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। कोई भी पाकिस्तान में कंपनी अगर बैंकिंग बिजनेस कर रही होगी उसके लिए लाजमी है जब वो बिजनेस कमेंस करने जा रही होगी उसको मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। और वो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपकी
जो अभी हमारे पास सर्कुलर है, लेटेस्ट सर्कुलर है, वो ₹10 बिलियन है। इट मीन्स 10 अरब रुपए तो आपने लगाने ही होंगे, बैंक ने 10 अरब अपने रुपए इन्वेस्ट करने ही होंगे, अदरवाइज वो बैंकिंग कंपनी कमेंट्स नहीं कर सकती। बिजनेस हो गया, कमेंट्स हो गया, अब बिजनेस को कंटिन्यू करना है, कैरी करना है, तो फिर उसने कहा था, फिर स्टैंडर्ड ने कहा था कि जी आपके पास एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, और ये आपके पास इतना सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, इतना सफिशिएंट कैपिटल मौजूद होना चाहिए कि जो आपके ऐसे देखिए बैंक का रिस्क कहाँ पर है, बैंक का रिस्क इस पर नहीं है कि जो डिपॉजिटर से पैसा लिया हुआ है, बैंक का रिस्क इस चीज़ के ऊपर है कि वो पैसा लेके मैंने आगे इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर मुझे वहाँ से पैसा रिकवर नहीं होगा, वो मेरा डिफॉल्ट कर गया, वो मेरा बैंक करप्ट हो गया, वहाँ पर कोई प्रोविजन वगैरह आ गई, तो मैं डिपॉजिटर्स को कैसे पैसा दूंगा। तो इसके लिए सर कहता है कि जी आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एटलीस्ट 8% होना चाहिए। ये 8% है तो इट मींस इसके लिए एक न्यूमेरेटर भी होगा, इसके लिए एक डिनोमिनेटर भी होगा। न्यूमेरेटर में मेरे पास क्या आता है, न्यूमेरेटर में मेरे पास जो मेरे पास मेरा कैपिटल एंड रिजर्व्स होंगे, जो मेरे पास कैपिटल एंड रिजर्व्स मेरे पास मेंटेन होंगे, ये वो आ रहे होंगे। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा होगा, डिनोमिनेटर मेरे पास एसेट्स आ रहे होंगे, लेकिन कंपनी के सारे एसेट्स नहीं आ रहे होंगे, उन एसेट्स के ऊपर जो मैं रिस्क कैरी कर रहा हूं, उन एसेट्स के ऊपर जो मैं रिस्क कैरी कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कैश में मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 0% रिस्क है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने टी बिल्स और पी आई बीस में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट से मुझे पैसा रिकवर है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैसा मैंने हेस्कॉल को दिया हुआ है, अगर ये पैसा मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर ये पैसा मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट रिस्क भी है, मार्केट रिस्क भी है, फॉरेन करेंसी रिस्क भी है, तो इसकी एक रिस्क वेटेज निकाली जाती है। और इसके भी एक पूरा क्राइटेरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैजल 2 के थ्रू बताया हुआ है, जिसमें वो बताता है आपको कि जी ये अगर आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ यहाँ पे करी हुई है, तो इतना रिस्क है जो कि आप कैरी कर रहे हैं, आपने उन एसेट्स की एक रिस्क वेटेज निकालनी है, दोनों को डिवाइड करना, और वो आपका एटलीस्ट 8% या उससे ज्यादा होना चाहिए। इट मींस आपके पास जो डिफॉल्ट के चांसेस हैं आपके एसेट्स के, तो आपका कैपिटल एटलीस्ट 8% या उससे ज्यादा मौजूद होना चाहिए। ये प्यारे बच्चों हमने कुछ रिक्वायरमेंट पढ़ी, और पेड अप कैपिटल में जो लिखा हुआ कि जी 10 अरब रुपए, तो फिर एक और सेक्शन हमारे पास आ जाता है, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। यहां पे स्टूडेंट आपसे कहता है कि जी जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, वो आप और जो आपके पास आपका सब्सक्राइब कैपिटल होगा, जो आपका अगर आपके पास ऑथराइज कैपिटल ₹100 है, तो आपका सब्सक्राइब कैपिटल एटलीस्ट 50 या 50 ज्यादा होना चाहिए, 1/2 ऑफ द ऑथराइज कैपिटल होना चाहिए। और आपके पास जो पेड अप कैपिटल होगा, जो आपके पास पेड अप कैपिटल होगा, वो एटलीस्ट सब्सक्राइब कैपिटल का 1/2 से ज्यादा होना चाहिए, इट मींस ₹25 या इससे ज्यादा होना चाहिए। ऑल्दो पाकिस्तान में भी ये रिक्वायरमेंट है कि जी आपका आपका अब पार्टली पेड कैश इन शेयर्स नहीं होते हैं, अगर आपने शेयर्स खरीदने हैं तो आपने फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, आप पार्शली पेमेंट करके इसको नहीं कर सकते, ये एक सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा, अगर एक बंदे ने सब्सक्राइब किए हैं ₹50 के शेयर, लेकिन पे किए हैं ₹25 के शेयर, तो जो इसकी वोटिंग राइट्स होगी प्यारे बच्चों, वोटिंग राइट्स किसके थ्रू डिटरमाइंड होगी, वो वोटिंग राइट्स डिटरमाइन होगी हमेशा हमेशा जो उसने अमाउंट पे किया, जितना पे किया हुआ है कंपनी में उतना ओन करता है, उतनी उसकी औकात होगी, उससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं होगी। ये जो पेड अप कैपिटल है, इसके ऊपर एक और सेक्शन आ जाता है, और वो सेक्शन ये कहता है कि कोई भी बंदा 5% से ज्यादा वोटिंग राइट्स एक्वायर नहीं कर सकता, कोई भी बंदा 5% ज्यादा वोटिंग राइट बैंक के एक्वायर नहीं कर सकता। हाँ, अनलेस या तो उसके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल होगी, या उसके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल नहीं होगी। अगर उसके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल नहीं है, तो स्टेट बैंक के पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 के तहत ये इख्तियार है कि वो बैंक को ये कह सकता है, उस शेयर होल्डर को ये कह सकता है कि आप काइंडली अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर दें, काइंडली अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर दें किसी फिट एंड प्रॉपर पर्सन को, काइंडली अपने शेयर्स आप डिसइन्वेस्ट कर दें किसी फिट एंड प्रॉपर पर्सन को। लेकिन अगर स्टेट बैंक के पास उसकी अप्रूवल है, उसने स्टेट बैंक से अप्रूवल लेके 5% ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए हुए, और अगर स्टेट और बाद में वो बंदा फिट एंड प्रॉपर, क्योंकि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको अप्रूवल दी होगी, तो एक कंडीशन लाजमी उसके ऊपर अप्लाई की गई होगी कि क्या वो बंदा फिट एंड प्रॉपर है भी या नहीं। अगर वो बंदा फिट एंड प्रॉपर है, लेट्स से यस, अगर वो बंदा फिट एंड प्रॉपर है, या वो बंदा फिट एंड प्रॉपर नहीं रहता, सब्सिक्वेंटली फिट एंड प्रॉपर नहीं रहता, अगेन स्टेट बैंक के पास ये राइट है कि वो उसको कह सकता है कि जी आप अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करें। अगर वो बंदा फिट एंड प्रॉपर है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये लगता है कि जी अगर जिस बंदे के पास शेयर्स हैं, वो पब्लिक के लिए किसी भी किस्म का या डिपॉजिटर्स के लिए बैंक्स
के लिए किसी भी किस्म का नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पे स्टेट बैंक फॉर मैं एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हैस्कॉल कंपनी का कोई डायरेक्टर बैंक के 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है, अबराज ग्रुप का कोई बंदा बैंक के शेयर से बैंक के शेयर में 5% ज्यादा होल्डिंग करके बैठा हुआ है। अब अगर बैंक को लगता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि ये बंदा डिपॉजिटर्स के लिए खतरनाक हो सकता है, बैंकर्स के लिए खतरनाक हो सकता है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे भी उसको कह सकता है कि जी काइंडली अपने शेयर्स को आप डिस इन्वेस्ट कर दें किसी फिट एंड प्रॉपर पर्सन को। लेकिन यहाँ पे एक बात है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है मैं कोई भी ऑर्डर उस वक्त तक पास नहीं करूँगा जब तक सामने वाले बंदे को मैंने सुनने की अपॉर्चुनिटी ना दे दी हो। जब तक सामने वाले को नहीं सुना जाएगा उस वक्त तक उसको कोई भी ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्डर उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक सामने वाले को सुना नहीं जाएगा। जब सामने वाले को सुना जाएगा बैंक कुछ क्वेरीज करेगा, सामने वाले कुछ क्वेरीज करेंगे, स्टेट बैंक कुछ क्वेरीज करेगा, सामने वाले कुछ क्वेरीज करेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर स्टेट बैंक को लगता है कि जो डिले हो रहा है इसकी वजह से पब्लिक को नुकसान हो सकता है, बैंक को नुकसान हो सकता है, बैंक के डिपॉजिटर को नुकसान हो सकता है, तो इस दौरान बैंक ऑर्डर तो पास नहीं कर रहा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। और उस इंटरिम ऑर्डर में ये कह सकता है कि जी आप ये शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप ये शेयर्स बेच नहीं सकते, आप इन शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इस शेयर्स के ऊपर अगर कोई डिविडेंड मिलेगा आपका राइट नहीं है, इस शेयर्स के ऊपर मजीद कोई राइट इश्यू या बोनस इश्यू होता है आपका इस चीज के ऊपर कोई भी राइट नहीं है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन केसेस में इन लोगों को ऑर्डर देता है और अगर ये ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करता बिकॉज वो कहते हैं शेयर्स मेरे पास है मैं क्यों बेचूं, तो स्टेट बैंक के पास यहां तक इख्तियार है कि वो उसके बिहाफ पे उसके शेयर्स बेच सकता है। और उसके बिहाफ पे जब उसके शेयर्स बेचेगा तो जो भी पैसा रिसीव होगा और जो भी बैंक की कॉस्ट इंकर्ड होगी, स्टेट बैंक की जो कॉस्ट इंकर्ड हुई होगी, वो सारा पैसा वो उस बंदे को जमा करा देगा बैंक के पास। स्टेट बैंक के पास यहां तक इख्तियार आता है कि वो CDC को भी हुक्म दे सकता है, वो स्टॉक एक्सचेंज को भी हुक्म दे सकता है, वो CDC वो कंपनी को कहकर डुप्लीकेट शेयर्स भी इशू करवा सकता है, वो CDC से कहकर उस शेयर्स को ट्रांसफर भी करवा सकता है, सेल भी करवा सकता है। ये हमने लास्ट क्लास तक का सारा सेक्शंस पढ़ा था प्यारे बच्चों, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के कुछ सेक्शंस थे जो कि मैंने यहां पे आपको क्विक रिकैप करा